हेलो बच्चों आज मैं आपको क्लास नाइन्थ जिसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स इसकी वर्कशीट नंबर फोर्टी थ्री कराऊंगी जिसकी डेट है मेरे पास ट्वेंटी फिफ्थ अक्टूबर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन तो आज की वर्कशीट में भी हम चैप्टर नंबर वन की ही रिवीजन करने वाले हैं नंबर सिस्टम की लास्ट वर्कशीट जो फोर्टी टू थी वो भी हमारी रिविजन वर्कशीट ही थी ठीक है चलिए देखते हैं पहले एक बार वर्कशीट देख लेते हैं फिर स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर लिखा है आपके पास सिलेक्ट करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर वन टू फोर वन टू फोर क्वेश्चन जो है ये आपके एमसीक्यू क्वेश्चन है ठीक है ना उसके बाद जो आपके क्वेश्चन नंबर फाइव सिक्स और सेवन है ये आपको क्या करने हैं पूरे सॉल्व करके दिखाने हैं चलिए शुरू करते हैं वर्कशीट हम अपनी फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट बताओ इनमें से कौन सा ग्रेटेस्ट है तो ऐसा करते हैं सबकी वैल्यूज निकाल लेते हैं तो पता चल जाएगा कौन सा ग्रेटेस्ट है तो देखो फोर का स्क्वायर तो डायरेक्ट ही पता चल रहा है कि यहाँ पर सिक्सटीन आ जाएगा क्योंकि जा होता है 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 ठीक ना अब पर पार तो तो जो वो फोर का स्क्वायर होता है ना तो इसको मैं फोर की पार टू और यहाँ पर थ्री बाय टू लिख सकती हूँ ठीक है अब देखो पार के ऊपर पार है तो मल्टीप्लाई हो जाता है होता ही नहीं होता मल्टीप्लाई तो ये तो कट हो गया तो फोर की पार थ्री आ गया इसका मतलब ये आ गया सिक्सटी फोर अब पर है के पार ऊपर थी। तो 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 पार, पार है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पर हमने क्या किया कि मल्टीप्लाई कर दिया तो फोर की पार माइनस वन आया जब आप इसको रेसिप्रोकल करोगे पार को पॉजिटिव करने के लिए तो वन अपॉइंट फोर आंसर आ जाएगा ठीक है उसके बाद अगर हम टू फिफ्टी सिक्स देखें तो 256 अगर हम इसको देखें तो ये 16 का स्क्वायर होता है है ना तो हम इसको 16 का स्क्वायर लिख लेते हैं और यहाँ पर माइनस वन बाय फोर फिर वही पार के ऊपर पार है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं ठीक है ना ये इससे कट हुआ यहाँ टू आया तो अभी सिक्सटीन भी तो फोर का स्क्वायर होता है और यहाँ पर आ गया माइनस वन फिर ये कट हो गया फिर यहाँ भी वन बाय ही आ रहा है तो आपको देख के पता चल रहा है इसका आंसर बी है सिक्सटी फोर और वैसे भी जो जब भी पार आपको नेगेटिव में दी हो ना तो आप समझो उसकी वैल्यू कम ही आएगी क्योंकि लास्ट में जाके हम उसको क्या करते हैं रेसिप्रोकल कर देते हैं इसीलिए ठीक है तो फर्स्ट का आंसर क्लियर हो गया बी कैसे आया चलिए सेकेंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं सेकेंड क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है इफ ए इज टू प्लस देन द वैल्यू ऑफ अपॉइंट ए आपको ए की वैल्यू दे रखी है और वन अपॉइंट ए की वैल्यू आपको निकालनी है तो हम यहाँ पर upon A की वैल्यू देखो कैसे निकालेंगे upon A है तो आप क्या करो ए की जगह पर टू प्लस रूट थ्री लिख दो अब जब डिनोमिनेटर में रूट है तो आपको रैशनलाइज तो करना ही पड़ेगा तो इसको आप क्या करो रैशनलाइज कर दो तो यहाँ आ जाएगा टू माइनस रूट थ्री ठीक है और यहाँ पर एक आइडेंटिटी लग रही है ए प्लस बी और ए माइनस बी की तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर ठीक है ना यहाँ तक तो टू माइनस रूट थ्री यहाँ हो गया और टू टू जो फोर माइनस थ्री तो फाइनली आंसर आ गया आपके पास टू माइनस रूट थ्री क्लियर देख लेते हैं कौन सा है तो इसका आंसर आ गया बी ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या कह रहा है द वैल्यू ऑफ दिस आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते रहेंगे तो वैल्यू अपने आप फाइंड हो जाएगी देखो यहाँ पर लिखा है आपके पास थ्री माइनस फोर ब्रैकेट में थ्री माइनस फोर यहाँ पर फोर है और यहाँ पर थ्री है ठीक है तो देखो थ्री माइनस फोर अब थ्री में से फोर जाएगा तो माइनस का वन बचेगा और ये पार फोर ऐसे और ये थ्री ऐसी है, एक एक स्टेप करके ही सॉल्व कीजिएगा ठीक है थ्री माइनस अब देखो माइनस वन की पार है 4, तो माइनस वन को जब आप चार बार इंटू करोगे तो आएगा तो वन ही लेकिन माइनस से माइनस सारे कट हो जाएंगे तो फाइनली यहाँ थ्री माइनस फोर इंटू वन बचा और यहाँ पर बाहर थ्री बचा ठीक है एक पार हट चुकी है तो अब फोर वन जाए तो फोर होगा थ्री में से फोर जाएगा तो माइनस का वन बचेगा बचेगा ना माइनस का वन ये थ्री ऐसी है अब माइनस वन को जब आप तीन बार इंटू करने वाले हो तो आएगा तो वन ही लेकिन आगे माइनस लगेगा क्यों क्योंकि इन दोनों माइनस से तो कट हो गए माइनस लेकिन एक माइनस तो आपके पास बचा ही है, है ना तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास बी आ जाएगा क्लियर चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर पे आ जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू ए बताओ इनमें से कौन सा ए के बराबर है देखो हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट कर रखे हैं उसमें जब भी बेस सेम होता है और बीच में मल्टीप्लीकेशन होता है तो पार एड हो जाती है और अगर बेस सेम होता है और बीच में डिविजन होता है तो पार क्या होती है सब ट्रैक्ट हो जाती है, है ना लेकिन ऐसा हमने कोई लॉ नहीं किया कि जिनके बीच में माइनस हो तो उसके हिसाब से सॉल्व करें तो फिलहाल के लिए ऐसा करते हैं कि फर्स्ट वाले को छोड़ देते हैं ठीक है अब अगर हम अपना बी वाला पार्ट यहाँ पर चेक करते हैं तो देखो a की पार फोर है इन टू में वन बाय थ्री है क्योंकि पार के ऊपर पार है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी और इस रूट के अंदर ट्वेल्व है तो ये यह के बन जाएगा ठीक है ना अब मैंने क्या किया इसको इससे कट किया थ्री आया तो यहाँ पर a की पार कितनी आ गई है वन बाय नाइन आ गई है तो ये तो a के बराबर नहीं है तो ये ऑप्शन तो नहीं है ठीक है अब यहाँ पर देखो यहाँ पर है ए की पार टू बाय थ्री और अंदर ए के अंदर भी थ्री और एक रूट भी लगा हुआ है तो देखो इस वाली ध्यान से दे देखो इस वाली पार के ऊपर ये वाली पार ये तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे इंटू में टू अपॉन थ्री अब जब आप रूट हटाओगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 2 भी आ जाएगा क्योंकि जब रूट के अंदर कुछ नहीं होता ना तो इसका मतलब उसके अंदर टू लिखा हुआ है तो जब रूट हटता है तो पार के फॉर्म में वो वन अपॉइंट टू जाता है ठीक है तो इस थ्री से ये थ्री कट कर दिया इस टू से ये टू कट कर दिया फाइनली आंसर ए ही बचा क्योंकि ए के पार पारन का मतलब ए ही तो होता है तो इसका मतलब इसका आंसर सी है आपको डी चेक करने की जरूरत ही नहीं है ठीक है चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर पे पर आपसे कह रहे हैं डू एस डायरेक्टेड जैसे जैसा आपको बोला जा रहा है ना आपको सिर्फ वैसा वैसा ही करना है फर्स्ट में आपसे कह रहा है कि ऐड कीजिए तो आपको इन सबको ऐड करना है तो देखो जहां पर भी एंड लगा हुआ है ना वहां पर आप क्या करो प्लस का निशान लगा दो ठीक है तो इसको यहीं पर ही कर लेते हैं सॉल्व हम देखो तो रूट वन ट्वेंटी फाइव हो जाएगा प्लस का टू रूट सेवनटीन हो जाएगा जगह मैंने प्लस लगा दिया ठीक दियाट में माइनस फाइव रूट फाइव आ गया और यहाँ पर माइनस का थ्री आ गया जब इसे आगे सॉल्व किया देखो रूट वन ट्वेंटी फाइव है वन ट्वेंटी फाइव मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि फाइव का क्यूब होता है फाइव फाइव जो ट्वेंटी फाइव तो मैं इसको रूट में ऐसे लिख देती हूँ फाइव इंटू फाइव इंटू फाइव ठीक है अब ट्वेंटी सेवन थ्री थ्री जा नाइन थ्री जा ट्वेंटी सेवन होता है तो थ्री इंटू थ्री या ऐसा करते हैं इसको यहाँ कर लेते हैं यहाँ ये पूरा क्वेश्चन आ नहीं पाएगा और आपको समझ भी नहीं आएगा तो इसको यहाँ लिख देती हूँ मैं पहले टू रूट ट्वेंटी सेवन अब मैं एंड की जगह डायरेक्ट ही प्लस लगा रही हूँ ठीक है और यहाँ पर ब्रैकेट में ये वाला नंबर लिख रही हूँ माइनस है फाइव रूट फाइव और माइनस रूट थ्री है क्लियर है यहाँ तक अब देखो मैंने रूट ट्वेंटी फाइव को यहाँ लिख दिया फाइव इंटू फाइव इंटू फाइव ठीक ट्वेंटी सेवन को लिख दिया मैंने थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री ठीक है या माइनस आ गया फाइव रूट फाइव और माइनस का रूट थ्री अब इन दोनों फाइव का एक फाइव तो बाहर चला गया यहाँ फाइव रूट फाइव आ गया इन दोनों थ्री का एक थ्री बाहर आ गया तो टू थ्री जा सिक्स हो जाएगा क्योंकि बाहर ऑलरेडी आपके पास टू था ठीक है यहां तक क्लियर अब देखो ये एक प्लस का ये एक माइनस का ये तो कट हो गया अब सिक्स रूट थ्री माइनस का रूट थ्री बचा माइनस रूट थ्री मतलब इसके आगे कुछ नहीं है तो मैं वन लगा सकती हूँ ठीक है ना तो सिक्स में से वन जाएगा तो फाइव तो फाइव रूट थ्री आपका आंसर आ गया क्लियर चलिए सेकेंड पार्ट देखते हैं इसमें भी एड ही करना है तो रूट सेवन माइनस रूट इलेवन पहले पार्ट लिख लेते हैं यहाँ पर रूट सेवन माइनस रूट इलेवन ठीक है एंड की जगह मैं डायरेक्ट ही प्लस लगा दू प्लस रूट फाइव माइनस रूट इलेवन ठीक है इस माइनस को थोड़ा सा इधर कर देते हैं ठीक है ना उसके बाद है प्लस का रूट थर्टीन क्लियर अब देखो यहाँ पर जो सेम रूट वाले हैं ना वही एड या लेस होंगे रूट सेवन के साथ कुछ नहीं है ऐसे ही रहने दो माइनस रूट इलेवन और माइनस रूट इलेवन माइनस टू रूट इलेवन बन जाएगा प्लस का रूट फाइव ऐसे ही रहने दो और प्लस का रूट थर्टीन ही रहने दो क्यों क्योंकि फाइव सेवन और थर्टीन ये प्राइम नंबर्स हैं हम इनकी फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते हैं ठीक है तो इनको यहीं पर ही छोड़ दो ऐसे ही क्लियर नेक्स्ट है आपके पास मल्टीप्लाई करना है टू रूट टू को फाइव रूट टू से यहाँ पर लिख लेते हैं पहले टू रूट टू मल्टीप्लाई फाइव रूट टू ठीक है तो फाइव टू जो टेन हो जाएगा और रूट टू को रूट टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू आ जाएगा तो आंसर आ जाएगा ट्वेंटी क्लियर आसान था ये वाला पार्ट तो उसके बाद है फिर मल्टीप्लाई करना है माइनस थ्री प्लस रूट फाइव को किससे मल्टीप्लाई करना है आपको थ्री से करना है तो ये दोनों से मल्टीप्लाई है ये थ्री इसके साथ भी मल्टीप्लाई है तो माइनस का नाइन आ जाएगा और ये थ्री इसके साथ भी मल्टीप्लाई है तो प्लस का थ्री रूट फाइव आ जाएगा और यही आपका आंसर आ जाएगा क्लियर फिर नेक्स्ट है आपके पास डिवाइड करना है आपको सेवन रूट फाइव को डिवाइड मतलब अपॉन लगा दू ना डायरेक्ट अब माइनस फोर्टीन अपॉन में रूट वन ट्वेंटी फाइव ठीक है तो देखो इस सेवन से इसको काटा तो टू आ गया तो रूट फाइव और यहाँ पर आ गया माइनस का टू अब रूट ट्वेंटी वन ट्वेंटी फाइव को मैं क्या लिख सकती हूँ अभी हमने इसके प्राइम फैक्टराइजेशन किए थे फाइव इंटू फाइव इंटू फाइव किया था ना तो इन दोनों का पेयर बाहर आ गया था तो फाइव रूट फाइव था तो यहाँ मैं यहीं पर लिख देती हूँ इंटू मैं फाइव रूट फाइव ठीक है ना ये मैंने वन ट्वेंटी फाइव को क्या किया प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व किया पहले ठीक है अब रूट फाइव से रूट फाइव कट जाएगा तो यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा वन अपॉन में माइनस टेन यही आपका आंसर क्लियर चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं खत्म सारे पार्ट यहां पर पा, क्वेश्चन नंबर सिक्स पे आ गए सिंप्लीफाई करना है आपको तो पहले पहले पार्ट लिख लेते हैं टू रूट टू प्लस थ्री रूट थ्री उसके बाद टू रूट टू माइनस थ्री रूट थ्री ठीक है अब देखो इसमें एक आइडेंटिटी लग रही है वो क्या ए प्लस बी और ए माइनस बी की लग रही है ना जिसको हम क्या बोलते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देखा जाए तो यहाँ पर ए की वैल्यू टू रूट टू है और बी की वैल्यू कितनी है 3 root 3 है ठीक है ना तो ए स्क्वायर मतलब टू रूट टू का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब थ्री रूट थ्री का होल स्क्वायर ठीक है तो अब इसका स्क्वायर करोगे तो टू टू जो फोर और रूट टू का स्क्वायर टू आ जाएगा थ्री का स्क्वायर करोगे तो नाइन और रूट थ्री का स्क्वायर थ्री आ जाएगा ठीक है ना यहां तक अब आप देखो फोर टू जहा हो जाता है आपके पास एट और थ्री नाइन जहा आपके पास हो जाता है ट्वेंटी सेवन ठीक है अब आप ये मत सोचिएगा कि छोटा नंबर पहले लिखा हुआ है और बड़ा नंबर बाद में लिखा हुआ है कोई बात नहीं आंसर जो है वो हमारा नेगेटिव में आ जाएगा ठीक है ना तो अब हम जब ट्वेंटी सेवन में से एट को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर नाइनटीन आएगा लेकिन माइनस का आएगा ये आपका आंसर क्लियर चलिए सेकेंड पार्ट देखते हैं टू रूट एट माइनस थ्री रूट टू का होल स्क्वायर है आइडेंटिटी लग रही है इसके अंदर भी टू रूट एट माइनस थ्री रूट टू का होल स्क्वायर ठीक है चैप्टर नंबर वन का ही क्वेश्चन है आपके पास ये भी ये चैप्टर हमने एनसीईआरटी से पूरा कर रखा है प्लस आरडी शर्मा से भी हमने ये चैप्टर कर रखा है उसकी सारी एक्सरसाइज कर रखी है तो आप वहां से भी इसे एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा ठीक है और इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस भी हमने कर रखे हैं मैं आपको तीनों चीजों के लिंक जो है वो नीचे दे, दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में आप वहां से कर लीजिएगा क्लियर चलिए शुरू करते हैं देखो यहाँ पर आपको क्या करना है ए माइनस बी के होली स्क्वायर की आइडेंटिटी लगानी है जो होती है मेरे पास ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का टू ए बी यही होती है ना अब देखा जाए तो यहाँ पर ए है टू रूट एट अब बी आपके पास यहाँ पर थ्री रूट टू ठीक है तो टू रूट एट का होली स्क्वायर प्लस थ्री रूट टू का होली स्क्वायर माइनस टू ए बी ठीक है ना तो टू ये ए आपके पास है टू रूट एट और बी आपके पास है थ्री रूट टू ठीक है तो टू टू जो फोर हो जाएगा और रूट एट का एट ही रह जाएगा थ्री थ्री जहा नाइन हो जाएगा और रूट टू का टू ही रह जाएगा अब यहाँ पर देखो टू टू जो फोर हो गया और फोर थ्री जा ट्वेल्व हो गया ठीक है और रूट एट और रूट टू को करोगे तो रूट सिक्सटीन आ जाएगा क्योंकि टू एट जा सिक्सटीन होता है क्लियर फोर एट जा थर्टी टू होता है और टू नाइन जहाँ एटीन होता है माइनस का ट्वेल्व ऐसी है रूट सिक्सटीन है तो उसको मैं फोर लिख सकती हूँ क्योंकि वो फोर का स्क्वायर होता है ठीक है इन दोनों को जब प्लस करूंगी तो एट प्लस टू टेन थ्री फोर और एक फाइव फिफ्टी आ जाएगा माइनस ट्वेल्व फोर होता है फोर्टी एट तो फाइनली आपका आंसर कितना आ गया टू आ गया क्लियर चलिए सी पार्ट देख लेते हैं सी पार्ट में क्या कह रहा है रूट सेवन प्लस रूट सिक्स का होली स्क्वायर इसमें भी आइडेंटिटी ही लग रही है रूट सेवन प्लस रूट सिक्स का होल स्क्वायर तो देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग रही है वो क्या होती है आपके पास ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का टू ए बी यही होती है ना तो ए स्क्वायर मतलब रूट सेवन का होल स्क्वायर बी स्क्वायर मतलब रूट सिक्स का होल स्क्वायर प्लस का टू ए बी टू ऐसी है ए की जगह ए लिख दो और b की बी की जगह बी लिख दो ठीक है तो रूट सेवन का स्क्वायर मतलब सेवन हो गया रूट सिक्स का स्क्वायर मतलब सिक्स हो गया प्लस टू ए बी अब देखो सेवन और सिक्स है सिक्स सेवन से कितना हो जाएगा यहाँ पर फोर्टी टू हो जाएगा ठीक फोर्टी टू के अगर आप यहां पर प्राइम फैक्टराइजेशन देखो तो ये टू के टेबल में ट्वेंटी वन पे थ्री सेवन सेवन कुछ भी बाहर नहीं निकलेगा तो आप इसको ऐसे ही रहने देना ठीक तो है, 2 2 है तो प्लस टू रूट फोर्टी टू ये आपका आंसर आ जाएगा क्लियर चलिए डी पार्ट देख लेते हैं सिक्स माइनस रूट टू और टू प्लस रूट थ्री है सिक्स माइनस रूट टू और यहाँ पर है टू प्लस रूट थ्री एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं क्वेश्चन फिर करते हैं टू प्लस रूट थ्री अब देखो यहाँ कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही तो यहाँ पर ये यह फर्स्ट वाला नंबर और ये सेकेंड वाला ब्रैकेट हो जाएगा ठीक है माइनस यहाँ पर ये यह सेकेंड वाला नंबर ये पूरा साइन के साथ लाओगे आप ठीक है और सेकेंड वाला ब्रैकेट हो जाएगा क्लियर इसको इससे मल्टीप्लाई किया ट्वेल्व आ जाएगा इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो प्लस का सिक्स रूट थ्री आ जाएगा ठीक है इसको मैं हटा देती हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो फिर माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो टू रूट टू आ जाएगा माइनस बाहर माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज हो गया और यहाँ पर रूट सिक्स को मल्टीप्लाई करके ठीक है अब देखो कोई कुछ सेम है एक वाला एक है वो तो सॉल्व हो नहीं सकते अब एक है रूट सिक्स वाला तो रूट सिक्स सिक्स के अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन देखो तो वो तो टू और थ्री होते हैं रूट से बाहर तो वो भी नहीं निकलेगा इसका मतलब ये आगे सॉल्व नहीं होगा और यही आपका आंसर है क्लियर चलिए क्वेश्चन नंबर सेवन पे आ जाते हैं तो क्वेश्चन नंबर सेवन में आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ फाइन द वैल्यू ऑफ एक्स आपको क्या करना है एक्स की वैल्यू निकालनी है अगर आपको ये दे रखा है एक इक्वेशन ये पूरा सॉल्व करना है तो रूट थ्री की पार दे रखिए एक्स पहले एक बार लिख लेते हैं ठीक है फिर सॉल्व करते हैं इज इक्वल्स टू में आपको कह रहा है थ्री की पार सेवन है तो देखो यहां से जब आप रूट हटाओगे तो यहाँ पर वन बाय टू आ जाएगा अभी मैंने आपको बताया था कि जब रूट के अंदर छोटे वाले इधर के साइड पर कुछ नहीं लिखा होता है तो इसका मतलब उसमें टू लिखा हुआ है है ना तो यहाँ पर यह कर दिया तो ये आपके पास आ गया थ्री और यहाँ अपॉइंट टू यहाँ पर आ गया थ्री की पार सेवन दोनों साइड पे बेस सेम है तो वो कट हो जाते हैं लेकिन हम उन्हें कट करके नहीं दिखाएंगे सिर्फ पार नीचे उतार लेते हैं ठीक है तो x कितना आ जाएगा आपके पास टू को उधर ले जाओ फोर्टीन आ गया और आपको क्वेश्चन में क्या करना था एक्स की वैल्यू ही तो फाइंड करनी है तो हमने यहाँ पर एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली क्लियर तो ये थे आपके पास आज की वर्कशीट जो कि हमारी कंप्लीट हो गई है वर्कशीट नंबर 43। अब जो हमारी नेक्स्ट वर्कशीट है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू